कुछ कर लेना, इन्होंने तो जो करना वो करते रहेंगे। लाइव है तुम्हें सवाल आप ही का। हाँ, जहाँ से हम रुके थे, हम अजान के अजान मगरिब का वक्फा हो गया था जिसकी वजह से हमने ब्रेक लिया था तो, और हम मौजूद हैं वहीं पे जिन्होंने इस दफा लाहौर में ऐसी तारीख रकम की, एक ऐसा तहलका मचाया जिसे लोग मेरे ख्याल में मुद्दतों याद रखेंगे। ये एक मुबालगा आरई नहीं, एक ऐसी बात है, एक ऐसी हकीकत है कि स्टैट्स खुद बोलते हैं, और जिस अंदाज से उनकी परफॉर्मेंस है पहले दिन से लेके और सातवीं परवाज तक, हर आने वाले दिन में सफ़र आगे की तरफ बढ़ा। और मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस, कामरान भी इस दौरान मुसलसल ख़ास तौर पर बड़ी हिम्मत की, इसने मुख्तलिफ छतों पर रहे और देखा। तो कामरान कैसा लगा जेठ? जेठ तो आपके सामने है, बहुत तगड़ा रहा, सब कुछ रहा। तो इस जेठ की परफॉर्मेंस को आप कहाँ, किस कैटेगरी में लाएंगे, किस अंदाज से? सर मेरे लिए तो ये पहली दफ़ा, जाहिर बात है मैं तो यही कहूँगा कि पहली दफ़ा थी मेरे लिए। कि जेठ हमेशा कई दफ़ा लगता देखा, लेकिन दो दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन इस तरह ही होता है। उसके बाद कभी किसी दिन ठंडी हवा चल जाती थी या बादल या थोड़ी सी बरसात आ गई। इस दफ़ा जो है ना कंसिस्टेंट मौसम जो है इस तरह रहा, और ये अमूमन जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमने 25-30 साल में नहीं देखा, तो पता नहीं पहले कभी शायद ऐसा हुआ हो, तो इतना ज्यादा कभी भी नहीं हमने सुना। मैंने अपनी होश में नहीं देखा। हाँ तो नायब साहब बता रहे हैं आप, उन्होंने अपनी होश में नहीं देखा। हाँ तो ये इस यूनिक, अगर उसको डिस्क्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके काफी, मेरी जाती या नाकसी ओपिनियन कह लें कि बड़े असरात मुरतब होंगे इस खेल के हवाले से भी। क्यों चीजें बदल गई जिस तरह से ये निज़ाम चला, और हर कोई अब आने वाले के हवाले से सोच रहा है। और कुछ लोगों ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, पंजाब में उड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक बेल्ट उड़ रही है मियांवाली, सरगोधा, चनियोट, फैसलाबाद, हाफजाबाद एंड लाहौर, यहाँ पे कबूतर मैंने देखा बहुत अच्छे उड़े, बहुत आउटस्टैंडिंग उड़े। और एक दूसरी बेल्ट है वो बिलो द बेल्ट रही, उसमें आप भी गए, आपका भी जाना, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। और मौसमी असरात थे, 45+, 46, 47 तक जाके टच हुआ। और इसमें कंटिन्यूसली जो प्रोग्रेस देना है, मेरे ख्याल में यूनिक ही कहा जाए तो ज़्यादा नहीं है। आगे चलेंगे हम उस्ताद नायाब साहब की तरफ से। आपसे मैं ये पूछा जा रहा था कि ये सारी ज़िंदगी आपने शौक को दी, और इस बार देखा इस टफेस्ट टाइम में कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जिसमें महसूस हुआ हो कि नहीं जी हम पटरी से हिल गए हैं, या यहाँ पे कोई कमी या कोई चीज या कोई मुश्किल? तीसरी बाजी वाले दिन मैंने कामरान को थोड़ा सा, मैं ब्रीफ बता रहा था कैमरे की बैक पर, सामने नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। तीसरी बाजी जब 45+ टेम्परेचर था, तो उस टेम्परेचर में मुझे ऑफिशियल असाइनमेंट पे मैं जाना था, तो मैंने कामरान 11:30 फ़ोन किया भाई को, तो मैंने कहा भाई क्या पोजीशन है? उस्ताद जी सत्ते उत्ते ने खैर ना। 12 बजे मैंने तुराब को फ़ोन किया, इन्हें कहा भाई 85% छतें बैठ चुकी हैं, 10-15% छतें हैं जिनके दो दो, एक एक या तीन ऊपर हैं। तो अब मुझे, मैंने फिर अपने मोहब्बत को फ़ोन किया, मैं क्या, हाँ जी की उस्ताद जी उत्ते ने। खैर मैं तकरीबन कोई 1 बजे के करीब मैं वापस आया मीटिंग से, तो मेरा शागिर्द जुल्फी और मेरा खलीफा और 5-7 और लड़के आए हुए थे, तो यहाँ ओवर क्राउडेड हो गई थी छत। तो मैंने अपने लड़के से पूछा, अली अहमद से जो नहीं है, मैं क्या की पोजीशन करना उस्ताद जी, खैर ना उत्ते है ने। अब वो चूंकि पीछे भी गर्मियों में इस तरह ही उड़ रहे थे, लेकिन उस दिन चूंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी थी, और जो तराब से मैंने स्टैटिस्टिक लिए उसको देखने के बाद मुझे थोड़ी घबराहट हुई। तो उसने कहा उस्ताद जी तुसी थल्ले बह जाओ, खाना थल्ले खा लो,
तो असी कुछ लोग उत्ते खा लेने खाना, तो मैं ड्राइंग रूम में चला गया, जुल्फी पाँच चार लोग उनके साथ, दो तीन लोग और, तो नीचे बैठ गए। खाना आ गया 1:45 बजे, हम खाने से फारग हुए तो मैंने फिर नीचे से अली अहमद को फ़ोन किया, कहता उस्ताद जी सत्ते ही उत्ते ने। अब मुझे उस पर थोड़ा सा ना डाउट होने लगा, यार लोगों की ये पोजीशन है सत्य, कोई मैं कोई नज़र, मैं कोई नजर चमकिया नहीं कोई, कहना नहीं उस्ताद जी, मैं जो तो चमके मैंने दस देना है। वो मेरा खलीफा है जफर, वो मुझे कहता कि उस्ताद जी तुसी ते मैं फिरता ते लईया थले बह के ते कबूतर तुसी कर तुसी उत्ते पैर पाना ते कबूतर ने निकलना है। मैं कहा यार कोल्ड ड्रिंक आई है पी लो फिर चलने उ, पी के बैठ गया। मैं कहा सानू फोन करेगा तो चले चलेंगे उत्ते, कहना नहीं उस्ताद जी मेरी बाजू पकड़ के खींच लिया। मैंने नीचे वाली सीढ़ी के पहले स्टेप पे पाँव रखा तो आवाज आ गई कबूतर निकल आया ऊपर से, ऊपर चढ़ाऊ यहाँ चढ़ाऊ तो मुनसिफ ने कहा दूसरा भी आ गया ऊपर। वो लम्हा था जिसमें मुझे खुशी और वो पहले थोड़ा सा तजबजब था। हाँ बिल्कुल, कि यार सारे ही ऊपर है, कोई नजर तो आना चाहिए कबूतर तो। बस वो उसके अलावा एक मैंने सातवीं बाजी इनको कहा मैंने शदाब को, वो फिर आपका भी कॉन्फिडेंस हो गया ना कि हाँ यार ये सही जा रहे हैं। हाँ, कबूतर ठीक निकल रहे हैं। आपकी चला की लहर से मैं कराची में था, इन्होंने मुझे फोन किया, इनको भी नहीं पता मैं कराची में हूँ। अच्छा इन्होंने फोन किया मुझे कि क्या पोजीशन है, मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ बाबा, कोई बाबर को मैंने फोन किया, कहता है कोई नहीं। मैं क्या की सूरत हाल जा रही है, मैं क्या आज मैं देखा नहीं है, मैं इधर थोड़ा जहाँ मसरूफ रहे हैं, कहते जी काफ़ी कबूतर लोगों के उस तरह ही बह गए। मैं क्या अच्छा, मैं क्या वो कामरान की भी साइड चेक की है, कहते हाँ उसे भी देखे है कि काफ़ी तेजी ना कबूतर बह रहे हैं। और वहाँ मेरे साथ अहमद और सरदार कयूम साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कहते शाह साहब खैर है, मैं क्या हाँ जी इंशाल्लाह रिपोर्ट ले रहा था, मैं क्या बड़े शाह साहब की आई थी कि क्या सूरत हाल चल रही है, कह अच्छा तो वह तो जो ये कि उस वक्त अच्छे अच्छे उड़ रहे थे, अच्छा ठीक है। और उसके बाद हम अब हमारी टेबल टॉक शुरू हो गई, और इतनी देर में दोपहर का टाइम हो गया, खाना लगा दिया, जैसे इनका खाना लग गया हमारा भी खाना लग गया। उनके जी पता करना था, इतनी देर में इनका फोन आ गया, खाने के दौरान ही मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अच्छा मैंने इस तरह ही कहा फिर बदी सरदार साहब बैठे थे, मैं कहा लो जी साढ़ा कबूतर निकले आए। वो उठाया उनका जी, उन्होंने कहा कि जी कबूतर निकले आए। अब हम खाना खा रहे हैं और इस दौरान अली अहमद कहता किसी ना किसी का हमें फोन आ रहा है, डायरेक्ट मुझे आ रहा है, मैं कहा आन दे, वो मुझे कबूतर का टाइम लिखा रहे थे। तो वो यूनिक उस वक्त फिर यानी वो एक इसलिए दिलचस्प इवेंट बन गया कि वहाँ पे भी कहने जी कमाल है। तो वो फिर इनकी जो जोड़ी जो निकली है आखिरी जोड़ी निकली है वो मैं कहा इन्होंने कहा कि 3:15 के करीब उसके वो फिरना शुरू हो गया, एक मैं कहा 3:30 के बाद बैठा है, एक 4:00 कुछ मिनट पे बैठा है। तो वो एक यूनिक इवेंट इसलिए 70+ आवर्स बन गए। अब वहाँ पर भी सभी लोग कहेंगे यार कमाल है, टेम्परेचर कितना है, सरदार साहब ने फौरन कहा कि जी लाहौर में इस वक्त 45+ चल रहा है। जी जी मैंने कहा जी हाँ, मैंने कहा जी टेम्परेचर तो इसी किस्म का हम, तो ये सूरत हाल थी कि डिस्क्राइब मैंने इसलिए की कि एक वैसे ही मुनफरद चीज़ बन गई हुई थी तो उसको आगे। अच्छा ये अभी अच्छा एक्चुअली ना कुछ सवाल कोई बहुत ज़्यादा है, अब मेरा आपसे 8-10 साल में पहली दफा इंटरव्यू हो रहा है और मुझे मेरे पास मौका भी असल में मुझे ये मिला कि जिस वक्त में आप चैंपियन हुए थे वो फीलिंग्स और वो चीजें भी लेनी थी। सवाल आपके पास पूरा टाइम है और सवाल आपकी मर्जी के। नहीं नहीं वो बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ये अभी तुराब भाई ने जैसे जिक्र किया 45 टेम्परेचर प्लस चल रहा था उस वक्त में, खाने का टाइम था 2:00 का। अमूमन हमारे यहाँ जो कबूतरबाजी होती है लाहौर में तो हम लोग कहते हैं जो 12 से 3 का जो टाइम होता है ना वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो 12 से 3 के दरमियान जो कबूतरबाजी है ना वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, उसके दौरान दौरान जो कबूतर बैठते हैं एक तो उनके खराब होने के भी रेशो ज्यादा होती है, चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और दूसरा ये कि इस दौरान जिन लोगों के कबूतर नीचे आ जाए फिर वो दोबारा रुकते नहीं है ऊपर, वो भागने की करते हैं। लेकिन इस दफा कुछ थोड़ा सा हमने चेंज देखा है, हर जगह भी देखा है और आपने भी शायद माहौल में देखा हो कि 3:00 के बाद टेम्परेचर हाई होना शुरू होता था। हाँ जी, तो मतलब जो पीक गूगल ने आपको या वो 3 के बाद वो 3 के बाद होती थी इस तरह। तो इसमें ये क्या वजह हुई इस दफा टेम्परेचर का इस तरह से होना, और उसके बाद जब इस तरह और ये 28 से नहीं था ये पहले पिछले 10-12 दिन से यही चल रहा था, इस तरह ही था। उसमें क्या लाए अमल था आपका कि किस चेंज कैसे लेके आए तैयारी में? हमने तैयारी में चेंज, मैं जो आपको सच पहले बात बताई बिल्कुल मैं बड़ी शॉर्टकट सी बात कर देता हूँ,
हमने सिर्फ इन्होंने एक ही प्रिंसिपल रखा कि कबूतरों को नेचुरल वे में संभाल जाए जो और छोड़े जाए। मैं समझता हूँ ये सवाल अगर आप इनसे जरा पूछे ना, ये उड़ाने वाले बंदे जो हैं वो ये सही जवाब देंगे इनका। जी बिल्कुल, शादाब भाई से पूछ लेते हैं, उस्ताद सैयद शादाब हैदर साहब हमारे साथ हैं। शादाब भाई, जैसे मौसम पीछे आए थे बैसाख में जो प्यारे उड़े थे, तो उन दिनों में बारिशें ज्यादा थी, मौसम अजीब से थे, ठंडे ठंडे से, तो मतलब लोग बड़े परेशान भी थे कि लोगों के कबूतर पूरे नहीं हो रहे थे, परवाजें नहीं अच्छी आ रही थी क्योंकि पूरे जो नहीं बैठ रहे थे या शामों को बैठ रहे थे। तो एकदम से जब मौसम ने ये करवट ली है और उसके बाद ये मौसम चेंज हुआ है, आपकी तो तैयारी चल रही थी ना, तो जैसे बैसाख के प्यारे खत्म हुए तैयारी तो उस वक्त में भी चल रही होती है नागों में और उन दिनों में, तो ये कबूतरों पर भी तो थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा ना, कबूतर डिस्टर्ब हुए होंगे एकदम से, तो आपने किस तरह से लाया अमल अख्तियार किया, तैयारी को चेंज किया, क्या किया कि दोबारा उन चीज़ों को तरतीब में लेके आए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरों में बात असल ये है, कबूतर हमेशा ख़राब ही तब होता है जब आप कबूतर को ठंडा और गर्म करना शुरू कर देते हैं। सही है। जो हमारी गेम है, जिस तरह के हम अपने कबूतरों को तैयारी देते हैं ना, वो है मुतदिल तैयारी। ना कबूतर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सही। कबूतर एक हद तक जो है ना, दोनों चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, ना वो ठंडा होता है ना वो गर्म होता है। वो इस वजह से कि फ़र्ज़ करें मैंने तैयारी गर्मी के हिसाब से दी है, रात को बारिश हो जाती है तो ठंडे कबूतर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। जितना मर्जी काबिल उस्ताद है वो इस चीज़ को मैनेज कर पाता ही नहीं। मैंने एक जगह नहीं, मैंने बेशुमार जगह ऐसे असाज़ा देखे हैं कि गर्मी बहुत पड़ी है, अखीर होगी गर्मी दी, रात तक पसीने छूट रहे हैं, कोई रौला रपा नहीं है, ठीक है, तो लो जी 3:30-4 बजे जाके बारिश हो गई, ठीक है। अब क्या है, परेशान के भी कबूतरों की करिए। अब वो जो टाइम होता गुजरता है 2-3 चफर 4 घंटे हैं, उसके अंदर कोई भी उस्ताद उन कबूतरों के अंदर से वो चीज़ निकाल नहीं सकता जो मर्जी हो जाए। अमली तौर पर जबानी कलामी तो जो मर्जी तुझे कर लो, अमली तौर पर वो जो चीज़ ठंडक निकल नहीं सकती जेडी के। लेकिन मेरा ख्याल है कि शाम के वक्त में ठंडक होनी भी नहीं चाहिए, कबूतर में जुड़ भी सकता है कबूतर आपका। मैंने आपको बताया तो वो तो नागे वाले दिन अगर आपने उसको हल्का फुल्का करना भी है तो वो सुबह के वक्त में आप करके उसको धूप लगवाएंगे सिकवाएंगे। यही तो बात बता रहा हूँ, जब गर्मी का जोर होता है, अब कितनी गर्मी है तो उसमें भी यही होता है ना, गर्मी में भी तरतीब अमूमन हमारे लाहौर में नहीं चलती। हर उस्ताद की गेम अलग है, देखे ना, हर उस्ताद की गेम एक जैसी तो नहीं है कि किसी ने सुबह ही ठंडे करने, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या किसी ने सुबह ही चीज़ लाजमी देनी है। हर इंसान की अपनी अपनी गेम है। बाहर है कि कबूतर मौत दिल्ली हमने रखे हैं ताकि हमें किसी चीज़ का जो है ना प्रॉब्लम ना हो। मौसम जिस तरह का भी है हमारे कबूतर मौत दिल उड़ रहे हैं, हमने इनमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत महसूस की ही नहीं। मतलब ये होता ना कि जैसे मौसम तो हर ज़ीरू जो है उस पर असरअंदाज तो होता है, ये तो लाजमी बात है ना, जानदार जितने भी हैं सब पे मौसम ने असर अंदाज तो होना है ना, और एकदम से अचानक से जो बदल जाना वो बहुत ज्यादा होगा। आपको बता तो रहा हूँ ना भाई, देखो तो जब मैं जिस वक्त में कलामी माजद एक छोटी सी बात कि जिस वक्त में एकदम से टेम्परेचर इजाफा होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ है, तो एक दफा तो पीछे हुए होंगे कबूतर, लाजमी बात है। कबूतर तो आती है ना। हाँ, तो उस वक्त मतलब घबराहट तो नहीं हुई, कोई ये फीलिंग्स उस वक्त में, मैं वो पूछ रहा हूँ, कोई लाया मतलब उस वक्त में फौरन चेंज किए हो? ये तो एक रूटीन मैटर है, ये तो एक आम रूटीन मैटर है कि जब गर्मी से एकदम कुछ 4-5 टेम्परेचर फर्ज करें 37 चल रहे हैं या 38 है, 4 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो परिंदे ने तो एक दफा अपने आप को नीचे लेके आना है। बिल्कुल ना, वो कम से कम 2 या 3 फिरते हैं अपने आप को एडजस्ट करने में लगाता है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये एक रूटीन मैटर था, अगर नीचे आए भी हैं तो माशाल्लाह हमारे कबूतर आगे आगे मजीद एक जगह आके सेट हो गए। कबूतर उन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं है। ये जो टाइम्स जी जी के ये जो कबूतर थे जिस पर जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं मुझे उसकी अब समझ आई है, क्योंकि उड़ाने वाले ये हैं, मुझे उसके
परेशानी तो तब होती ना कि अगर कोई अननेचुरल चीज हो रही होती जी, हम तो ये देखते हुए हमारी उम्र गुजर गई जेठ खेलते हुए। बिल्कुल सही है। जिस वक्त गर्मी राइज अचानक करेगी तो परिंदा नीचे आ जाएगा, जिस वक्त एकदम गर्मी टेम्परेचर डाउन होगा तो परिंदा एकदम ऊपर उठेगा, उठता है वो तो नेचुरल। लेकिन उसमें जो घबरा गया वही तो फर्क हो गया। बिल्कुल, ये यही तो मैं पूछ रहा हूं। इसके हाथ पांव भूल गए, उस वक्त में क्या लाया अमल इख्तियार किया, मशवरे किए एक दूसरे नहीं, से? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चूंकि यही करा, अगर ये मुझसे जिस दिन इनको कुछ महसूस हो फौरन मुझसे डिस्कस करते हैं कि भाई यार आज इस तरह मुझे फील हुआ है, तो मैं इंज ना करना, फिर मैं जो मेरी दिमाग में आता है, चूंकि थ्योरी तो मेरे पास भी पूरी हिफ्ज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपनी सोहल तबीयत की वजह से, नवाबी तबीयत की वजह से नहीं कर पाता, तो वो ये सारे कर रहे होते हैं क्योंकि इनको शौक है ज्यादा। हर बंदे का शौक है ना, किसी का शौक है गोली देना, किसी का शौक है ब्रीड को संभालना, मेरे साथ है इसको, मेरे साथ दोनों शौक है। ये ब्रीडिंग में भी इसका किरदार बड़ा है मेरे साथ, और उड़ाने में बड़ा किरदार है। ये जयसूर्य बढ़ाने में, 2020 बढ़ाने में, ये पाकिस्तानी ब्रीड बनने में इसकी बड़ी सपोर्ट है मुझे सामने हाल साथ रही। तो हमें बिल्कुल कोई घबराहट किसी जगह नहीं थी, हमें पता था कि हमारे कबूतर पीछे देखे ना, अब प्यारे जब उड़ रहे थे तो जब आखिरी प्यारे बस जेठ के दो आए हैं, जो देठ में आए थे दो प्यारे जो हमारे उड़े थे जी जी, वो ऑल ऑफ अ सडन मौसम तेज हो गया था, पीछे नरम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑल ऑफ अ सडन मौसम तेज हो गया था, तो जिस दिन तेज हुआ आपने देखे पहले प्यारा जब उड़ा है तो उसमें लोगों के कबूतर एकदम नीचे आ गए थे। ऐसी है। तो उस दिन हमारा पहला कबूतर 2:02 पे बैठा था। क्या बात है। क्योंकि वो घबराहट नहीं थी हमारे अंदर, हमें पिछली फिर से फील हो गया था कि टेम्परेचर तेज चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज और बताइएगा, ये जो हमने कबूतरबाजी की है या जो हमारा चलता रहा सिस्टम, अब इसमें हम सिलेक्शन को कितने नंबर देंगे? मतलब सिलेक्शन भी कोई एक खास मायने रखती है इसमें? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि कबूतर तो हमारे 20-25-30 चल रहे होते हैं साथ साथ। कबूतर जो थे हमारे पास इस दफा जो एंड पे थे ना वो 19 थे। सही। जो लास्ट फिर जब थी ना 19 थे। सात हमने सिलेक्ट कर लिए, दो हमने रोक लिए उनमें से कि भी इनको रोक दो, क्योंकि वो जो थे ना वो थे ज्यादा लंबी प्रवास के, वो हर फिरत में खराब कर रहे थे, पिछले टाइम बैठते थे। अब हमें ये खतरा था कि जहां क्योंकि मौसम इतना तेज गर्म जा रहा था, सही है, सही है। इतना तेज गर्म मौसम जा रहा था तो हमें जेन में ये था कि जिस तरह पिछले सालों में होता रहा कि 2-4-5 दिन मौसम, ये 10-12-15 दिन गर्म हो गया था, हमने किसी वक्त भी बारिश आनी है और अगर इनको डाला हुआ तो ये तो बैठने ही नहीं। हाँ, वो करें खराब। बिल्कुल सही। तो वो 7 और 2 9 हो गए, 10 कबूतर रिजर्व उड़ रहे थे हमारे। ठीक होगा। और आप यकीन करें कि ये यानी कि कैलकुलेशन पूरी रखी है, पूरी हो सकता है बारिश का कोई पता नहीं, मौसम कबूतर लंबा हो गया। हमने कबूतर वो सिलेक्ट किए कि जो घर बैठने वाले कबूतर थे, बस ये चीज देखिए कि जिन्होंने फिरतों में मुश्किल वक्त में भी घर की तरफ मुंह रखा अपने। हमने सिलेक्शन, हम मेरे पास अगर वो रजिस्टर यहां इस वक्त हो तो मैं दिखाता, हमने मैंने 19 कबूतरों की हर कबूतर का एक पन्ना बनाया, मैंने एक अलग अलग उसकी 1 मई से लेकर तो 26 मई तक की फिरते उसके ऊपर, ये मैंने 19 कबूतरों की निकाली। अच्छा सर आपका जैसे आपने कहा कि एक सोल तबीयत हो गई और नवाबी और उसमें इस वजह से मैं तो ज्यादा नहीं एक्टिव रहता, तो ऑब्वियसली वो रजिस्टर के थ्रू आप सारा? नहीं वो तो फिरते तो मैं खुद लेता हूँ। अच्छा फिरते तो मैं खुद लेता हूँ। अच्छा फिरतों में तो सारी फिरते, इस साल तो सारा सीजन मैंने छत पे गुजारा है। अच्छा। चूंकि हमारे साथ एक ऐसा वाकया पेश आ गया, मुझे एक साल की छुट्टी लेनी पड़ी। हाँ। वो अब रिसेंटली मैंने दोबारा ज्वाइन किया, छुट्टी खत्म हुई है। जी जी। तो मैंने एक साल सर्दी गर्मी धुंध के जो एक महीना पूरा सूरज नहीं निकला था, आपको याद है? जी जी। धुंध रहती थी जी, पूरा जी। एक महीना सूरज नहीं निकला था, इस शेड के नीचे ये मैं अली अहमद, ये आग जलती थी और बातें होती, अंडे बॉयल होके आते थे, चाय चलती थी, कावा चलता था, यहाँ खुड्डे बंद है, गीजर का पानी आया, कबूतर खोले, पानी डाला, पानी पिला के खुड्डे बंद, फिर दाने का टाइम हुआ, खुड्डे खोले, गीजर का पानी आया, डाला, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन में आपने बात की रजिस्टर की, अब सिलेक्शन में वो सिलेक्शन की बताने लगा, सातवीं बाजी, अब मेरी
एक अपॉइंटमेंट थी 2:30 बजे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट, वो थी डिफेंस में ही। अच्छा, तो मैं जब जाने लगा तो एक कबूतर मादियां दोनों आखिरी निकली हुई थी, छठी सातवीं, तो छठी नीचे आ गई, सातवीं ऊपर चली गई। मैं जाने लगा, मैंने इनको कहा सालों को, मैं क्या मुनसब को, मैं क्या मेरी मादी इत्थे निकलती है इस जगह दे उत्ते, हां ते सारे बंदे इत्थे देखो, ये वही करता है जिसने फिरते नहीं, जिसने बिल्कुल उसको पता होता है अपने कबूतर के मिजाज का, पता ही फिरता कहां है, किस जगह पे फिरता। मुझे अपने कबूतरों पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कमांड थी कि ये क्या करते हैं। हम चार बंदे, हमने चारों ने मशावरत से सिलेक्शन जो की ना, वो अल्लाह ने सही करा दी हमारी। बिल्कुल, मैं ये सिर्फ नए शौकीन हजरात जो है उनके लिए ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन एक तो रजिस्टर उसमें बड़ा काउंट करता है, टाइम पीछे पीछे से आने वाले टाइम, दिमाग जो है जी वो भूल जाता है। बिल्कुल ऐसी जो लिखी हुई चीज है वो याद रहती है, लेकिन जब मर्जी उठा ले रिकॉर्ड उठा ले। उसके साथ साथ क्या खसलत भी और तबीयत जो है कबूतर की वो कितना काउंट करती है, उस पर कितना डिस्कस करके आपने उनके सिलेक्शन की है, हम चीजें कितनी देर में पूरा होता है, कितनी देर में सादे पानी से पूरा होता है। मैं ये बताता हूँ आपको, पहली खसलत ये कि कबूतर छूटे और उसका मुंह आसमान की तरफ हो। सही, जिस कबूतर की यह खसलत है वो कबूतर हमारी सिलेक्शन में आएगा। दूसरा, वो जो कबूतर जब बैठता है तो तैयार होने में देर नहीं लेता। हमारा टाइम है कि 1.5 घंटे के अंदर बैठने के, जो कबूतर खुराक लेके रेस्ट पे चला जाता है ना, वो कबूतर सिलेक्शन में आना चाहिए। सही हो गया। जो कबूतर लंबा तैयारी में लंबा टाइम लेते हैं ना, वो सात बाजी वाला कबूतर वो नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज कि हमने अमूमन जो इस दफा आपने तो सारे अपने खैर घर के कबूतर जो उड़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपके पीछे देखा जाए तो उस्ताद मियां हामिद साहब जो 411 घंटे थे, उन्होंने भी टेडी कबूतर जो ज्यादातर इस्तेमाल किए, उड़ाए, जो नजर मतलब वो हमें तो वही टेडी ही नजर आ रहे थे। बहरहाल वो उनकी मेकिंग बड़ी है, देखे नहीं इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने जो देखे, मैं तो मतलब उस हिसाब से आपसे सिर्फ सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने वो देखे कबूतर? जी जी, मैं आपको दिखा भी दूंगा थोड़ी देर। आपने देखे? जी जी, मैंने देखे। आपने ये भी देखे? बिल्कुल देखे। वो टेडी है? नहीं, वो उस तरह से नहीं नजर आ रहे ना, वही तो मैं सवाल की तरफ जा रहा था कि इन दिनों में जो कबूतर उड़े हैं कि आया के ब्लड, अमूमन बातें होती है ना, ब्लड उड़ता है, कुछ लोगों के पॉइंट उड़ते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ब्लड पॉइंट्स दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन उड़ता है, दोनों चीजें होनी चाहिए, या और नस्ल की कितनी अहमियत है और किस किस्म की नस्लें जो उड़ सकते हैं, मतलब अमूमन ये इसका फैसला आ जाए आप खुद करके बताएंगे। नहीं, नहीं, मैं, लेकिन ना, मैं तो वो बंदा हूँ, आपको मैंने कहा सवाल आपने कर रहे हैं पूरे। हाँ। मैं वो बंदा हूँ जो अल्लाह की रहमत से तली पर सरसों जमा देने वाला हूँ। ये आप खुद बताएंगे लोगों को अभी, जब मैं दिखाऊंगा ना, ये जब मैं दिखाऊंगा आप खुद बताएंगे। आपका सवाल समझ लिया मैंने, अब उसका जवाब ले लिया। जी जी, आपको रेस्क्यू करता हूँ। अच्छा, नहीं जी नहीं, वो समझिए पब्लिक के लिए पूछ रहे हैं ना, ये लोगों के लिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ये जरूरी होना चाहिए। देखें, ये टू स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा से पाए गए हैं इस शौक में। एक कहते हैं पॉइंट सारा कुछ है, एक कहते हैं ब्लड लाइन सारा कुछ है, इस तरह ही है ना। जी जी, अब मैं थोड़ा सा इसको, चूंकि अब सवाल आपका ऐसा है कि जिसको तफसील से बताना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बखीत साहब अपने साथ ले गए, दैट वाज 1998 यूए की टूर पे, खबरें की तरफ से। तो इनका बड़ा अच्छा फ्लैट था, मुझे वहाँ ठहराया, उन्होंने बड़ी मेरी इज्जत कदर की। शाम को वहाँ शौकीन इकट्ठे हो जाते थे, तो वहाँ एक उस्ताद थे, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा। तो वो पहले दिन जिस दिन महफिल में आए तो गुफ्तगु थोड़ी देर सुनते रहे, फिर एडवांस वो स्टार्ट हुए। उन्होंने कहा जनाब साढ़े को रब ने वो इलम दिता है, मैं अंडा देख के दस दिना वहां कि ये जो निकलने वाला बच्चा समंदर ते उड़ेगा या खुशकी ते उड़ेगा। वाह वाह। तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं। अब जो ब्लड लाइन की बात है, वो ब्लड लाइन मैं आपको ये बताता हूँ, पहले हम शुरू हो जाते हैं इंसानों से, अगर कहें तो जानवरों से भी पहले शुरू। नहीं नहीं, जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे जितना ज्यादा समझाने की हो जाएगा उतना अच्छा। समझाने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने जब किसी बच्चे की शादी होती है, वो या हालदार होता है, बच्चे जवान होते हैं, तो फिर बच्चों की शादी को सोचा जाता है, तो उस वक्त फिर हम घर तलाश कर रहे होते हैं। अगर घर का रिश्ता नहीं है ना, तो हम खानदान तलाश कर रहे होते हैं। कर रहे होते कि नहीं? कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और उसमें क्या चीज नोट कर रहे होते हैं कि यार उनकी रेपुटेशन। रेपुटेशन में क्या चीज कि क्या ये लोग शरीफ हैं? बिल्कुल सही। क्या यार इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं?
या कोई ये कुछ जराइम पेशा या कुछ मंशियात से इनका ताल्लुक तो नहीं है कि इनके खानदान में कुछ किस्म की लत तो नहीं पाई जा रही। ऐसी चीजें देखते हैं ना, अमूमन देखते हैं बिल्कुल, उनकी शराफत के मामले से उसका ये जो भी है उस मामले को क्यों देखते हैं ये, इसलिए कि हमने अपने बच्चे या बच्ची को इस जगह एंगेज करना होता है, उस घर के साथ मुंसलिक करना होता है, उनके साथ हमारा चाल चलन होता है। और अगर कहीं ये तो नहीं होता कहीं हम गए हैं जी कि जो किसी ने बताया फलां जगह, फिर हम उसकी रेकी कर रहे होते हैं जी जी, इर्द गिर्द में लोगों से पता कर रहे होते हैं कि ये लोग कैसे हैं, उस खानदान को चेक कर रहे होते हैं, खानदान की क्या रेपुटेशन शोहरत, वजह शोहरत के अच्छे लोग हैं। इसी तरह कबूतरों में फिर हम हमारे यहाँ तो खुसूसन जो आपके यहाँ हमारे यहाँ शजरा, हाँ जी मैं तो ये बड़ी चीज कम चीजें काउंट करती हैं, खानदानों के बड़े असरात हैं जी। अब जिस वक्त मैं अब फिर इस्लामी मिसाल देता हूँ, मौला अली जब की बेगम बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ, तो आपने दूसरी शादी के लिए उन्होंने कहा ऐसा कबीला तलाश करो को बहुत जरी हो, बड़ा बहादुर कबीला। तो फिर किसी ने बताया जी वो बनी कलाब जो कबीला है वो बहुत जरी और बहादुर है और उसके सरदार की बेटी है। तो वो आई आप सरकार के घर, फातिमा, उनका नाम भी फातिमा था, फातिमा कलाबिया। अब उनके बतन से जो पैदा हुए हजरत अब्बास आलमदार, तो आप उनकी शजाअत देखें, मिसाली थी, मिसालें बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं जिस वक्त वो नकाब करके लड़ते थे तो कहते थे, लोग कहते थे कि अली लड़ रहा है, जंग कर रहा है। तो खानदानों को खून का बहुत असर होता है, अगर खून का असर ना हो तो आपको खानवादे तलाश करने की जरूरत ना हो। अगर खून का असर ना हो तो नीली रावी की भैंसे जो है ना, लोग इसके पीछे भागते ना फिरे कि जी जाके रावी का झोटा लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये ना हो कि कुत्ता बाहर से अच्छा इम्पोर्ट करके लेके आओ ब्लड लाइन लेने के लिए, घोड़ा अच्छा, मतलब रावी का घोड़ा ज्यादा मशहूर है। ब्लड काउंट्स फर्स्ट। वो ब्लड का क्या, मैं अब इसमें ये भी बता देता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं लोग कहते हैं जी पॉइंट्स क्या है, हड्डी जोड़ पर कुंदा, मिठू जी जरा इन्हों के हाथ ले आके फड़ाओ, गुड लक, ये आप दसनगे अपने नाजरीन नू। ये माजी पौने छह बैठी है, सातवीं बाजी। अच्छा, ये आपको दिखा रहे हैं, गुड लक, गुड लक। इस मादा का नाम है कि इस नस्ल का भी नाम गुड लक? नहीं नहीं, मादा का नाम, मादा का नाम गुड लक। नस्ल तो पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी नाम मादा का गुड लक है, वो क्यों है वो भी बताऊंगा आपको। तो पॉइंट अपनी जगह, आप जो कबूतर रिजेक्ट करते हैं बाजियों में फिरतों में से पीछे ले जाते हैं, उनका किसी का पॉइंट कम होता है कोई? नहीं, तो फिर वो क्यों नहीं उड़ रहे होते अगर सिर्फ पॉइंट ही उड़ता है तो? बिल्कुल ऐसी है। अब इसके नीचे हड्डी पे हाथ फेरे आप, दो हिस्से हैं हड्डी के इसके, ऐसे ही है, हड्डी दरमियान से कटी हुई है, दो ढाई सूत्र का फर्क है, पिछला हिस्सा पीछे है, अगला हिस्सा आगे है। बिल्कुल ऐसी है, शायद कोई जर्रा वगैरह कोई चीज यहाँ पे लगी है उसके बचपन में, पलाई में उसको हो गया कुछ ना कुछ। नहीं जी, देख लें, अच्छा बाकी ये बात है कि हड्डी में इसके फर्क है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि जी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो मैं अक्सर ये जो लोग ये पूछते हैं ना, फिर उनको मैं वो एक कथा जरूर सुनाता हूँ, ये आप देख ले मादा, फिर मैं आपको वो ले जी देखें, ये मोर भी नजर आ रही होगी लोगों को भी। क्या बात, बहुत आला, गुड लक मादा है सर। ये उस्ताद नयाब हैदर साहब के घर जो ये उड़ती रही है इन बाजियों में, पाकिस्तानी ब्रीड से, पाकिस्तानी ब्रीड इनके घर की पाकिस्तानी, और इस मादा का अपना नाम गुड लक। अब देखे ना जो ये हड्डी को देखते हैं, जो हड्डी जोड़ होना चाहिए, ये कितनी कितनी बड़ी फिलॉसफी है। बिल्कुल, मैंने तो कई साफ देखे वो फुट्टा लेके नाप रहे होते हैं कि हड्डियां ये है और वो है, वो हमारे। अब इसका देखे ना, ये इसका क्या बना है, इसमें देखे कोई, इसमें ये चीज ये है। दूसरा ये जो कहते हैं ना, शायर ने एक कथा लिखा हुआ है, कहता है कि बड़े लोगों में हम छोटों के सर ऊंचे नहीं होते,
कि उगते हैं जो गमलों में, शजर ऊंचे नहीं होते। सही। हमें भी सर बुलंदी की तमन्ना तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊंचे नहीं होते। वाह वाह वाह। अगरचे पर शिकस्ता हूँ, अगरचे मेरे पर टूटे फूटे, मैं समझ गया बिल्कुल। अगरचे पर शिकस्ता हूँ, मगर चिड़ियों से कह देना, उड़ान ऊंची हुआ करती है पर ऊंचे नहीं होते। वाह वाह। उड़ान होती है आपकी ब्लड में, आपके आपके खानवादे में, जोश जज्बा हिम्मत आपके खानवादे में है। क्या आप किस तरह कहते हैं कि इस फलां मुल्क का एक अपना कल्चर है, फलां मुल्क का, क्योंकि उसमें बसने वाले लोग जो है ना, उनकी नस्ल एक अलग नस्ल है, वो नस्ल का कल्चर है। बिल्कुल सही। हर हर घर का एक अपना कल्चर है, हर खानदान की एक अपनी खूबियां है, हर खून की एक अपनी खूबियां है। खून बनता कैसे, पहचान फिर क्या होगी ब्लड की? परफॉर्मेंस। वो तो फिर इसका मतलब आपके अपने घर से ब्लड स्टार्ट होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप मेरे दोस्त हैं जी। ये कबूतर जो शौक है कबूतरों का, ये तो शौक तो था ही लेन देन का नाम, लेन देन एक का, दूसरे को तहाइफ देने का। बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर एक पेयर अच्छा या एक कबूतर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे अगर अल्लाह ताला ने कुछ समझ बूझ अता की है, तो मैं आपसे, अगर मुझे उसका कोई बच्चा दस्तियाब नहीं, तो दो अंडे ला के, तो मैं उसकी ब्लड लाइन से या अपनी एक अच्छी ब्लड लाइन में उसको क्रॉस दे के तीसरी अच्छी लाइन बना सकता हूँ। बिल्कुल सही। आप जब जब दो अच्छी लाइन्स को आपस में मिलाप देंगे, अल्लाह की रहमत से तीसरी अच्छी नस्ल उसमें से पैदा होगी। और अमूमन मैंने यही देखा कि जितने हमारे कामयाब कबूतर परवर हैं, वो वही लोग ज्यादा कामयाब हैं जिनके घर में ये क्रॉसेस पर जो है ना ज्यादा वर्क हुआ। और अच्छे का अच्छे से क्रॉस, वो कामयाबी है। देखिए मेरा असूल है, मैं जोड़ा लगाता हूं, जितना मर्जी मेरे दिल का जोड़ा हुआ, पहले बच्चे उसके मैदान में आने हैं बार। यहाँ सही है, मेरा ये फिलॉसफी है कि कबूतर जब तक आप उड़ा के उसकी कैपेसिटी चेक नहीं ना करते। अब ये पाकिस्तानी जहां से बने हैं, एक नारोवाल से एक दो भाई थे जो मुझे ये दे गए एक पेयर। अच्छा। वो 7-8 साल पहले, तो जब वो दे के गए, वो एक स्टोरी है पीछे उसके, अगर मैं उसको कट शॉर्ट कर देता हूँ, तो मैंने देखे तो वो शालकोटी कबूतर थे, तो मुझे बहुत ज्यादा भी पसंद नहीं आए, लेकिन वो तो मैंने उन्हें कहा यार कि हमें तो शौक दूसरा है, ये तो इन कबूतरों को तो इतना हमें शौक नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब हमें पता है आपके पास दुनिया से अच्छे कबूतर है, लेकिन आपने इनको एक दफा इनके दो बच्चे छोड़ लें। मैं कहा यार वो पेयर इतने लगे होते हैं, तो वो फिर उसको लगाते हुए भी टाइम लग जाता है, तो चले बहरहाल आपने लाए हैं। तो कहते जी अगर पेयर ना लगा सके तो इनको ही छोड़ लें, वो जवान पट्टी पट्टे थे, तो इनको ही छोड़ें। वो घर में ले आए घर, इधर ला के 6 महीने तो वैसे ही पड़े रहे, फिर जब लगाया, जब उनके बच्चे निकले और छोड़े, तो उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा जी ये आपको खुद बताएंगे, हम इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आपको। और जब उन्होंने बच्चे छोड़े मैंने इनके, तो उन्होंने खुद बताया मुझे, फिर मैंने उनको क्रॉस ब्रीड किया। सही है। बाद में उसको उसको फिर आपने, फिर मैंने उसको ये 7-8 साल हाँ। मुझे ये समझ आ गई ना कि यार ये ब्लड 6.5-7 साल हाँ। लग गए मुझे इसको कि ये ब्लड जाया होने वाला नहीं है। जी कामरान, एक बात मैं आपकी आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ना मैं वैसे भी कुछ करता हूं कि देखता रहूं कि थोड़ी सी, इस दफा ये जो मेहनत कर रहे थे ना, वो ना थोड़ी सी नजर आ रही थी, पूछो किस तरह किस तरह। मुझे भी थोड़ा सा सॉलिडली यकीन था कि ये काफी आगे आएंगे, उसकी वजह कि कंटिन्यूस इनकी इनकी जो टीम थी वो इस दफा मेहनत कर रही थी। इनका जो बी पेयर था ना, बी पेयर था यानी जो नागे वाले दिन ये उड़ा रहे थे, वो आपको लिटरली बताऊं, वो जो उड़ रहे थे उनसे ज्यादा अच्छे उड़ रहे थे। जो इन्होंने बैक हैंडल पे यानी जो नागे वाले दिन उड़ाते थे, एक आधी दफा हुआ है मैंने फोन किया तो किसी काम के लिए, कहते काम है छत में, कहते क्या है जी, कहते जी जरा 2 मिनट हट जाओ, कबूतर निकले आया। मैं कहा 5 बजे? हाँ हाँ लिटरली मैंने पूछा, मैं क्या 5 बजे? कहते मैं क्या कह रहे, कहते मैं क्या कब छोड़े? कहते सुबह छोड़ते हैं जो 5 बजे का टाइम है। जो रिजर्व में चल रहे थे ना इनके, वो और ज्यादा वो ये अगर उसका ये चार्ट बनाते ना,
मैं अभी भी बना हुआ है, बना हुआ है। नहीं जिक्र भी किया कि दो हमने सिलेक्ट इसीलिए रिजर्व में, रिजर्व में यानी जो नागेवल दिन के 10 छोड़ रहे थे या 5 छोड़ रहे थे या 4 छोड़ रहे, यानी ये छोड़ 8-8 ही रहे थे, ये 8-8 छोड़े बहुत से ज्यादा उड़ रहे थे। यानी कामयाबी एक दिन में नहीं बनती, यानी जो उसकी बुनियाद रखी जा रही थी ना वो नजर आ रही थी। और दूसरी ये चीज, हम जहाँ आप भी गए और मैं भी गया, एक ही सवाल हमारे सीनियर साथ इकराम करते हैं कि शाजी दुआ करो गर्मी पे, गए कॉमनली सवाल मिलता है शाजी दुआ करनी है कि इस दफा गर्मी पे जाए। मुझे नहीं याद आप यकीन करें कि मुझे कई लोगों ने कहा उस्ताद जी दुआ करो गर्मी एनजी चल दी रही, कबूतर उड़ रहे थे। हाँ। मेरी ये कोई दुआ नहीं। हाँ। मेरी दुआ है, मेरी भी नहीं होती, मेरी दुआ सिर्फ एक ही है कि अल्लाह फतह दे दे, फतह दे दे, मौसम हाँ। जो मर्जी हो। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, डजंट मैटर, ये अल्लाह का काम है मौसम कौन सा हो, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे, दैट्स इट। आपका भरम रह जाए। लेकिन अब ये कबूतर है, अगर खुदा ना खास्ता ये ना उड़ते तो हम कहां जाते, अब क्या करते फिर, अगली तैयारी पे लग जाते। मेरा ख्याल है कि 42-43 जो कभी कभी पड़ता है ना, दो दिन तीन दिन, वो बहुत होता है। इस दफा बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ गया, हम तो कबूतरबाजी के लिए अपना जरा शोखे हो गए कि चलो जी टेम्परेचर भी बड़ा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परिंदों के लिए कितने जुल्म की बात है, हमारे भी और दूसरे कुदरती जो दूसरे परिंदे। मैं वो आपको भेजूंगा, वो आप खुद भी देखिए, अगर किसी को दिखानी हो तो दिखाइएगा। 45 में जिस दिन बैठे हैं कबूतर, वो वीडियो बनी हुई है, कबूतरों ने ये शो किया कि हम 37-38 में बैठ रहे हैं। बहुत आला, वो आप इनको इनको भेजना वीडियो। वो वीडियो किसने बनाई थी, भेज देना मुझे। वो कबूतर अच्छा, इस तरह बैठ रहे हैं, यूं बैठे हैं, यूं खड़े हुए हैं, यूं चले हैं नीचे। बहुत आला। अच्छा मैंने एक जुमला जरूर सुना, वो अब उस जुमले की तस्दीक हो गई और मैं अब मान रहा हूँ जुमले को, कुछ बड़े सीनियर साथ हैं कि गर्मी कबूतर को कुछ नहीं कहती। उसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं, अच्छे कबूतर को गर्मी कुछ नहीं कहती। नहीं नहीं, अच्छे कबूतर परवर के कबूतर को गर्मी कुछ नहीं कहती। चले आपके जुमले को और थोड़ा रिफाइन करते हैं। इनका ज्यादा रिफाइंड जुमला, आपके जुमले को मैं इसलिए मान गया हूँ कि अगर नीचे कोई भी एक अच्छा संभालने वाला बैठा हो बिल्कुल, तो वो उस अच्छे कबूतर को उसकी असल जगह पे रखता रहेगा। क्योंकि देखे ना, अभी आप अगर बात करें ना, हम बाहर जाते नहीं ना, हम चूंकि जेड चैंपियन लाहौर के घर बैठे तो हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो सुहेल अंसार खान साहब के कबूतर बुरे नहीं है। नहीं, बड़े अच्छे कबूतर, नो डाउट, ऐसी है। मियां हामिद के कबूतर बुरे नहीं है। और यार किसके कबूतर बुरे हैं? चंद्राय के कबूतर बुरे नहीं है। घर घर अच्छा कबूतर है। मुबशर के कबूतर बुरे नहीं है। आपको मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छे कबूतर की बात, मैं बता रहा हूँ कि अच्छे कबूतर परवर होना बहुत जरूरी है, वरना। और जो जिसको वही जो बात अमीर मुख्तार खान साहब करते हैं ना, कि वो याद होगी आपको, वो कहते हैं कि अगर अच्छा कबूतर भी किसी अहमद आदमी के नाड़ी के हाथ में लग जाए तो वो भी बेकार हो जाता है। तो वो बात आप देखें यहाँ पर जो आपको मिलेगी ना बात, वो ये मिलेगी। अच्छा सर, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अरसा दराज हो गया आपको ये पंजाब के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहा, तो पंजाब में भी आपका आना जाना बहुत ज्यादा था, पंजाब के कॉम्पिटिशन, मतलब जो बड़े कॉम्पिटिशन जो लोगों को याद है, चोई साहब का, मोइन नवाज साहब का, और ये इनमें आपका किरदार भी बड़ा रहा। वो तय ही मेरे घर हुए। बिल्कुल वही ना, तो ये चीजें आपने देखी। आप पंजाब को किस जगह पर देखते हैं, पंजाब की कबूतरबाजी को और लाहौर की को, इसमें आप भी डिफरेंस डालते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर शहर का एक अपना मौसम है। अगर वो अब या तो ये है ना कि मैं, मुझे ये बात बिल्कुल ना पसंद है किसी को कहना कि आप लाहौर आए और लाके मेरे साथ उड़ जाए, या वो मुझे कहे कि जी आप इधर आ जाए पिपला में और आके उड़ जाए। यार तुम आप पिपला में उड़ा रहे हैं, आप वहां उड़ा लें, हम लाहौर उड़ा रहे हैं, हम यहाँ, हमें एक दूसरे में गड़बड़ होने की जरूरत क्या है? लेकिन हाँ। अगर आप ये कहें कि लाहौर का मौसम को आप इस पट्टी के मौसम से मिला लें तो वो इतना ही नाइंसाफी है। लाहौर में जो पोल्यूशन लाहौर में है ना जी, जी। उस पोल्यूशन का मुकाबला करना ही मुमकिन में नहीं है इस पट्टी वाले लोगों के लिए, चूंकि वो बड़े खिल। आप वहां गए हैं, आप रात भी वहां रहे होंगे जी जी, मैं विजिट आपने किया है। बिल्कुल रहा हूं। आसमान की तरफ नजर कीजिए जरा, बहुत शफाफ, मैं वो भी बात मैं समझ गया, मैं अक्सर जगह पे उनकी रात कितनी हाँ। ये यहाँ पोल्यूशन का ये आलम है कि रात को भी इस फिजा साफ नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें अगर वो ये बात कहे कि जी हम जी जो लाहौर वाले ऐसे ही करते,
नॉट एट ऑल, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने आके जो ये इतना इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उन्होंने यहाँ से आके छतें बनाई हैं, ट्राई की हैं और फिर मुकाबले किए बगैर चले गए हैं, अपने आप को आजमा के खुद ही। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि लाहौर का मौसम सख्त है? 100%। तो फिर एक चीज को आप लोग क्यों इजाजत नहीं देते? क्योंकि ये जो पंजाब में हमने एक चीज रखी हुई है पलंटी, ये तुराब भाई बल्कि साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने इस दफा दो पलंटियां सात दिन की प्रवासों में ही कर दी थी, हालांकि 11 दिन में होती थी। तो एक से दो का हक तो लाहौर वालों का भी नहीं बनता सर। देखें, आप देखें मुबशर का एक बैड लक हो गया, कवानी इनकी बात है ना, कता कलामी मुबशर के लिए बैड लक हो गया। हाँ। बड़ा अच्छा कबूतरबाज है, मतलब स्पेशली बहादुर आदमी है, जैसे उसको उड़ाने आए ना आए, उसके पास कबूतर अच्छे हो ना हो वो शौकीन है, वो शौकीन है और मजे से और बहादुरी से उड़ाता। उसका एक कबूतर बैड लक हो गया, मर गया पहले दिन। उस बेचारे एक अच्छे प्लेयर का क्या कसूर है कि वो बाद में बाकी प्लेयर्स का मुकाबला नहीं कर सकता? नहीं, ये होना चाहिए मैच के, लेकिन उसमें क्या, अब हमारी बदकिस्मती क्या है, अब हमने हर एक ने तो 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, हमें अपनी मस्जिद में तो ऐलान करना चाहिए। देखें, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हम कर दें, वो हमारे प्लेयर उधर भी शामिल होते हैं। अब ये देखें ना, उसका फिर डिफरेंस आ जाता है, जब टूर्नामेंट छूटते हैं कवानीन जब टकराते हैं तो काम खराब हो जाता है। इसीलिए पहले भी एक दफा इकट्ठे हुए थे और हमने उनकी प्रपोजल पर वेलकम किया था, ये नहीं कहा था कि आप कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं या हम क्यों आए। हमने लिबरल पन का मुजाहरा किया था और गए थे। अब हुआ क्या कि एक फैसला मुश्तरका किया गया, उस फैसले के बाद खुद ब खुद उससे बैकआउट कर लिया गया। वाए, अगर उस फैसले में कोई दुश्वारी कामरान आ गई थी या कोई बंदे ये समझ रहे थे कि इस फैसले में किसी जगह कुछ झोल रह गई है, तो सारे बड़े मौजूद थे ना। अच्छा सर, मैं एक और बात इस पर करूँ कि हमारे यहाँ ना जो हमने जजेस कभी बनाए थे तो हमने कभी उनको खुद से अहमियत नहीं दी, तो हम उनके फैसलों को कैसे अहमियत देते? तो या तो जजेस प्रॉपर एक ऐसी क्रीम निकाल के सुप्रीम क्लास जो उसको ही जज बना दिया जाए ताकि आगे सवाल करने की गुंजाइश ही ना रहे। मैं ये आपको बताता हूँ, मैंने बहरीन कप कराया था, उसमें एक छत पर जो था वो इशू क्रिएट हुआ, 7 जजेस थे, मुझे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे, ताकत का सर चश्मा, उन लोगों ने फोन किए कि जी फैसला इसके हक में कर दो। मैं कहा जी मैं माजरा चाहता हूँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन है, जजेस ये 7 लोग हैं, जो ये 7 लोग सुन के फैसला करेंगे हमने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। सही है, हमारा काम फैसला करना नहीं है। उन 7 लोगों ने सुना, 7 में से 6 ने उस उनके खिलाफ फैसला कर दिया, 1 जज ने उनके हक में कर दिया, 6-1 से फैसला हो गया वो। उसके बाद मुझ पर इतना प्रेशर आया कि मैं यहाँ वो बयान नहीं कर सकता कि जी आप उनको इनको दें। मैं कहूँ ना मेरी गर्दन कट जाएगी, जजेस के फैसले को अपहेल्ड रखना है मैंने, और जजेस को इज्जत दी, उनके फैसले को अपहेल्ड रखा हमने। ये तो आपने करना है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्यों नहीं करती? अगर वो फैसला, देख जजेस गलत भी तो कर सकते हैं ना। जी जी, अगर वो कर रहे हैं तो उस पर बंदे को फिर स्टैंड लेना चाहिए। और अगर हाँ, अगर आप उसको नल एंड वाइड करना चाह रहे हैं तो फिर जो जिन लोगों ने अपने जजेस नॉमिनेट किए थे वो सीनियर्स इकट्ठे हो जाते, वो बैठ के उस पे सर जोड़ लेते। मैं वही तो बात करूं कि जो सीनियर, अगर हम जब हमने बाद में भी सीनियर्स के पास जाना है और जब सीनियर से भी गुजारा नहीं हो रहा तो फिर हमने कुरान के पास और मस्जिदों में वजू करने नहीं, जाना हमने तो इस दफा जो है ना, तो मेरा तो ख्याल अपने, है हमने तो अपने इस दफा जजेस ही चेंज कर दिए थे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जो कमांड्स हैं हमने उनको तो जज बना ले, उन्होंने हर रोज बैठना तो होता ही। देखे जी, मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ हूं ना कि जी आप 15 टूर्नामेंट कराएं और 15 में टूर्नामेंट का 1 मुनसिफ गया हो। अगर मुझे ख्वारिश है 15 टूर्नामेंटों में एंट्री देने की तो मुझे 15 मुनसिफ तैयार रखने चाहिए अपने। ऐसी है, ये सबसे बड़ी खराबी की जड़ ये है, कट्ठी एंट्रियां कट्ठे, ये उसका देन उसका लेन उसकी खराबी। हमने जितने टूर्नामेंट कराए हैं, टूर्नामेंट खत्म हुआ 15 दिन के अंदर इनाम तकसीम करके नहीं, नहीं होता। हम ये देखें, ये सर पकड़ के बैठे हैं अभी तक किसी बात, यही बात है ना, गलत है ना। आप बात करें, भी ऐसी हुआ। आप अपनी 10 एंट्रीज का टूर्नामेंट उड़ा लें, 10 सर कैसे उड़ा लें? आप मुझे नया बेदर फोन करते कि कामरान मेरी 4 छतें लिख लो, मैं नया बेदर से कैसे कह दूं कि यार मुझे एंट्री भेज दें आप? नहीं नहीं, एंट्री भेजने की बात नहीं है, नया बेदर को अगर कहेगा तो एंट्री आप समझेंगे आपकी जेब में है। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ ना आपको, इसी तरह के लोग हैं जो हमारी मतलब ना लिखे
आप ना लिखे, मैंने लाख वाला कप उड़ाते थे, हम एडवांस एंट्री लेते थे। क्यों तुरा भाई इसी तरह के लोग नहीं? हाँ बिल्कुल, अब हम तो एडवांस एंट्री नहीं उड़ाई। इस दफा भी कहा था कि 14 जेठ को एंट्री दे दे तो हम 15 दिन में तकसीम इनाम करेंगे, किसी एक ने पहले एंट्री नहीं दी। देख लें आप खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन हमने कर देना है, हमने ये ईद के ड्यूरेशन आ जाए, चूंकि ट्रॉफी वाले ने टाइम मांगा हुआ है कि जी वो कहते जी मैं 15 दिन से कम टाइम नहीं लूंगा ट्रॉफीज के लिए, तो उसके दरमियान में ईद की छुट्टियां आ गई हैं, तो हमने इस डिस्टेंस से हमने तो एक या दो रोज में तकसीम इनाम अनाउंस कर देनी है अल्लाह के फजल से। बहरहाल अब ये जो जजेस का मसला है इसको किस तरह से हमने तो अपना तय कर लिया है जजेस का मसला। बताऊं क्या काम रहा इसमें, होना तो यही चाहिए कि न्यूट्रल पर्संस भाई शौक की बेहतरी की। देखिए कानून के लिए तो कहीं पे भी बैठा जा सकता है, कानून पे कुछ जैसे आपने पेनल्टी वाला कहा है, मैंने तो पहले भी लाहौर में कई दफा, मैं तो इस हक में हूँ जी, बिल्कुल हक में हूँ, बैठे कानून रिवाइव हो सकते। अब आप ये देखें, होने भी चाहिए। अब यहाँ मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, ऑल ऑफ अ सडन मुझे बात याद आ गई। अब आप कह रहे थे गर्मी में जिस तरह कबूतर उड़ रहे हैं, और उस्मान भट्ट साहब के कबूतर मुझसे ज्यादा अच्छे उड़ रहे थे। अच्छा, फिर तो मैं एक दिन मेरे भाई ने मुझे कहा, उन्होंने कहा उस्ताद जी भट्ट के कबूतर बड़े फिरदे पे ने। मैं कहा यार कबूतर ही चंगे ने, अच्छे कबूतर ने उस्मान भट्ट को थे कबूतर, और वो फिरते बड़ी अच्छी अच्छी आ रही थी। अब वो जो बात मैंने पहले की गुड लक और बैड लक की, जी अब जी। उसकी बैड लक ये देखे कि उसकी चाचा की डेथ हो गई, ऑल ऑफ सडन उसको भी छत क्लोज करनी पड़ गई। बिल्कुल ऐसे। हामिद साहब अगर उड़ा रहे थे जोइए के, तो वो किस लाइन पे जा रहे थे? तो जोइए की लक ने स्ट्राइक नहीं किया, हामिद की लक स्ट्राइक कर गई। लक भी आपकी बहुत काउंट करती है मौसम की वेरिएशन के साथ साथ। सही, वरना अगर हम ये कहें कि जी अब ये जजेस कानून बना रहे हैं, तो इसमें भी जजेस का बाज दफा होता है कि आपकी लक अगर फेवर कर रही है, आप गलत भी हैं, तो जजेस आपके हक में मिस जज करके फैसला दे जाते हैं। सर वो तो दे जाते हैं, मैं तो ये बात मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जजेस का एक पैनल ऐसा होता है जिसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जब तक होना नहीं चाहिए ना, ये मैं बात कर रहा हूँ कि अब तुराब हैदर है तो वो आपसे छोटा, तो अब कोई फैसला करते हैं तो, और वो अच्छा पार्टी वाइज भी देखा जाए तो आप अपनी पार्टी के सुप्रीम लीडर तो आप है ना, तो आप उनसे फिर भी सवाल कर सकते हैं। क्यों जब आपने सवाल करना ही है तो डायरेक्ट आप ही क्यों नहीं आगे आते? नहीं, बात मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस वक्त ये फैसला एक हो गया था, तो जो आप कह रहे, मैं भी तो वही कहा था आपको कि ये तो काम था उन लोगों का कि वो मुझे कॉन्टेक्ट करते कि यार यहाँ एक जगह डिस्प्यूट खड़ा हो गया है जो जजेज ने फैसला दिया उस पर, तो हमको बैठ जाना चाहिए, हमें हम इसको सुलझा लें, इसको कैसे करना है। तो अगर ये करने की बजाय मैं अगर सपोज मैं ही ये काम कर लेता तो ये उनको ना अच्छा लगना था। तो ये रॉन्ग स्टेप लिया गया है, ये आपस में मिल बैठ के कर लेना चाहिए था, जिस तरह मिल बैठ के कवानीन कर लिए थे, मिल बैठ के कर लिया जाता। कवानीन भी उस वक्त लाहौर के बदले जा सकते हैं जब सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। यही एक्सरसाइज हमने पंजाब में की, जब तक पंजाब में सारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तब तक तो आपने प्लेटफॉर्म ही खराब कर दिया ना, छोड़ दें वहाँ, ये फिजूल में कमेटी बना दिया वहाँ पे आपने, तो उसको छोड़ दें आप। अभी हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर पे चलते हैं। जब तक ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होंगे ना, कानून नहीं बदले जा सकते, तो कानून एक नहीं किए जा सकते। क्यों? अब जैसे कबूतर मरने का है, हम अलाउ करते हैं कि जी कब कबूतर डाल लो, अगला पार्टिसिपेंट उधर भी हिस्सा ले रहा है, कहेगा खबरदार कबूतर पाड़ की कोशिश की थी, छत कटी जानी है। सर एक साल मुश्किल होगी ना, कुर्बानी तो देनी, प्रॉब्लम होता है ना, नहीं लोगों की जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे, ये जो इज्तमाई चीजें होती है ना जी जी, ये जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे ना आए तो ये मुमकिन नहीं होती। तो यहाँ प्लेटफॉर्म एक होना ही नहीं है तो फिर क्या करें? अब ये तो फिर देखे ना, हमारी शौकीन तो सफर कर रहा है ना इस चीज को, जी ये बताए ना, देखे वो कैसे सर्वाइव करे। बदकिस्मती क्या कि हम सच को सच नहीं कहते ना, अगर हम सच को सच कहें, भाई देखे बात ये है, जिस वक्त इन्होंने एक कॉल की सारों को, कहा कि जी हम एक जगह इकट्ठे होते हैं और कवानीन बनाने सारे इकट्ठे होके आ जाए, कॉल इनकी थी, क्या रिफ्यूजल दी हमने इनको? नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे, आए थे ना जी, इकट्ठे हुए थे ना, तो व्हाई नॉट दे, ये स्पिरिट इनको भी रखनी चाहिए थी। यस, तो जब स्पिरिट नहीं रखी है तो फिर वो म्यूजिक तो फेस करना होगा, चाहे पब्लिक को चाहे
ग्रुपों को। बिल्कुल ऐसी बार हम टॉपिक से आगे हट रहे हैं सर। जय सूर्या इतना ज्यादा आप नाम लेते हैं अमूमन अक्सर और बेशतर, और लोगों की भी जबान से आम हुआ है ये नाम, और इस दफा तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर से हो गया। जय सूर्य के एक बेस मैंने सुनी थी कि शायद कोई बॉर्डर के थ्रू कोई एक कबूतर आए थे आपके पास कोई इस तरह से, वो भी आप ही के जबान ही मैंने सुनी थी, कोई रामपुरी कबूतर थे कोई इस तरह के वहां से। देखो मैं ही कहूँ रामपुरी से यके थे, हाँ मैंने तो डिस्क्राइब भी कर दिया था, हाँ वो उस तरह मतलब कबूतर के हुलिये भी बता दिए थे, वो मेरे पास पेयर ही लगा हुआ था, और वो जो था वो जो लेके आया उसके बकौल एक पेयर जो था एक कमरे में था, तो वो चंद सालों में वो कमरा उस पेयर के बच्चों से भर भुर गया। अच्छा, यानी कि वो बहन भाई ये वो के लग लग वो आपस के ही थे कबूतर वो। सही। अब मेरे पास भी वैसे ही आ गया वो, वैसे ही लगा। अब इनमें से एक कबूतर देखे मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं ना बहन भाई का लगाओ तो जोड़ा, यार वो परफॉर्मेंस में फर्क आता है, ब्रीड बढ़ाने के लिए तो लगा लो तो उड़ाने में वो परफॉर्म नहीं करते, इस तरह सुना है ना आपने? जी जी। मिठू जी जरा 14 पिंक फड़ो पाकिस्तानी, ये सगे बहन भाई का जोड़ा है। अच्छा, जिसका ये बच्चा है। तो आप क्यों लगाते हैं सगे बहन भाई का? भाई मुझे पता है कि ये ब्रीड है, ये नहीं नहीं मतलब ये इनकी ब्लड लाइन है, जो लोग बात कुछ करते नहीं हैं होता जेनेटिकली कुछ जो डिसऑर्डर्स आ सकते हैं वो आपको डिसऑर्डर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जब आएंगे तो नहीं नहीं वो डिसऑर्डर्स कहाँ से फिर वो आपको उनके जिस्म बिगड़ जाते हैं, उनके परों में प्रॉब्लम आ जाता है, तो जब तक वो नहीं आ रहा तो वो खराब तो नहीं है। ये देखें जी आपके अगर जिस्म बिगड़ रहे हैं, सवाल आ गया बड़ा जबरदस्त आप पूछे, अगर जिस्म बिगड़ रहे हैं या परों में प्रॉब्लम आ रहा है तो पॉइंट्स पर तो गेम आ गई ब्लड के साथ साथ। नहीं तो इन ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि जिस वक्त आप इन ब्लड की तरफ जाएंगे तो उसमें कजन मैरिज की तरफ जाएंगे तो खराब होंगे, प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर आप देखे ना, मैंने तो आपको पहले मौला अली की मिसाल दे के बता दी। जी जी वो तो बिल्कुल आपने बता दी, आपने वो ऐसे कबीले में गए उस ब्लड के लिए जो बहादुर हो जरी हो जंगजू हो हया वाले लोग हो वो जो हो, तो फिर आपको नहीं नहीं मैंने कहा फिर आपने भी पॉइंट्स को काउंट तो किया ना यहाँ पर आके कि यार जिस्म खराब भी हो सकता है जिस्म को पर भी खराब हो सकते हैं। आपके साथ आपको मैंने पहलवान बनाना है, आपकी बाजू टेढ़ी है नहीं हो सकता, किस तरह बना लूंगा? बिल्कुल। मैंने कबूतर से कसरत करानी है, मैंने घोड़े को दौड़ाना है तो उसके लिए परफेक्ट चीज चाहिए होगा, लेकिन पॉइंट्स उसके आने हैं उसकी ब्लड लाइन के साथ, यही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन आएंगे तो जरूर ना, पॉइंट्स तो आप देखेंगे ही, उसका जिस्म कसरती होना चाहिए, बिल्कुल जिस्म उसका लुच लुच करता ना हो, उसको तैयार करने में खराबी ना हो, ये तो वो तो आपने हर सूरत देखने हैं। नहीं जी नाजिन ये अब इसका क्या नाम है जी? ये इसका नाम है 14 पिंक पाकिस्तानी, 14 पिंक पाकिस्तानी, हाँ जी सगे बहन भाई का है, ये भी उसी ब्रीड में से पाकिस्तानी, आप देख लें। ठीक हो गया, ले जी ये सगे बहन भाइयों के जोड़े में से निकला हुआ, और ये दिखाने का मकसद ये है, थोड़ा नीचे रख, एक परवाज इसकी पौने बारह की है जी, एक जूम कर ले, पहले कर ले, पहले तो दिखा ले, ठीक है, एक परवाज इसकी पौने बारह की है एक। अच्छा, बाकी सब 2 बजे से लेके 3:30 तक। क्या बात है, बहुत आला, 14 पिंक और पाकिस्तानी ब्रीड जो नाम दिया हुआ उस्ताद नयाब हैदर साहब ने, और ये सगे बहन भाइयों में से निकला हुआ है जी। अच्छा सर, अब वहां पे दोबारा चलते हैं जेनेटिक्स की तरफ, तो मतलब जेनेटिकली तो जो लोग अब बात करते हैं जो थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं जेनेटिक्स को, तो वो बात करते हैं कि खराबी आती है, जैसे आपने भी कहा आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, आती है, आती है। आपको इस चीज का खौफ नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए खौफ इसलिए नहीं था, मैं तो छोड़ के उड़ाता हूँ। नहीं नहीं आपने जब पेयरिंग की होगी तो उस वक्त नहीं खौफ है? मुझे खौफ किस चीज का, मैंने तो ज्यादा क्रॉस किया इनको, इनके जो जिस इस पेयर के जो बच्चे निकलवाए हैं मैंने वो तो मोस्टली मैंने क्रॉस किए हैं। अच्छा, इन कबूतरों में 6 ब्रीड्स हैं, 6 नस्लें हैं इसके अंदर, आपने वो देखी उसकी आंखों में रेडिश आ रहा था? जी जी बिल्कुल, इसलिए कि उसमें 20 भी हैं। इसमें आप देखें आपको ज्यादा
उसकी आंख जो थी उसमें वो ग्लेज नहीं था जो उसमें था, इसलिए कि इसमें चूहे भी हैं। सही। तो ये अब जिस वक्त आप क्रॉस ब्रीड करते हैं ना, तो उसने अपने जो पीछे उनके है ना वो किसी में कुछ भी थ्रो कर देना उसने। सही है। एक जो परफेक्ट कबूतर है नॉर्मली हमारे यहाँ, हम तो बनाते हैं, हमें जब भी बात करेंगे या पेयरिंग करेंगे, आप करेंगे, मैं करूंगा, कोई भी शौकीन करता, हमारे दिमाग में तो जेठ ही होता है। हाँ जी, जेठ जी, जो जेठ खेलता है। हाँ, सारे नहीं होते। जी जी, जो जेठ खेलते हैं, जो जेठ खेलने वाले हैं। तो ये जो असवज की कैटेगरी उस घर में निकल आती है, वो क्या वजह होती है कि कबूतर खराब हो जाते हैं, पेयरिंग अच्छी नहीं हुई होती, या कोई और वजह हो सकती है? बिल्कुल ऐसी कोई वजह नहीं होती। कबूतर अब मेरे पास इस वक्त कम से कम को 25 पट्टी पट्टे ऐसे हैं जिनके बहन भाई सारे ही उड़ रहे हैं। जी जी। लेकिन वो ब्रेक लगा गए। सही है। लेकिन मुझे पता है वो अगले साल के बहादुर होंगे वो, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। मुझे अल्लाह के घर में 100% यकीन है। बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मुझे उनके खानदान का पता है। सही। उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई है, वो तरबियत की कमी दूर करेंगे हम। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि जब आप ये पेयरिंग करते हैं, तो आपके जहन में क्या पॉइंट्स होते हैं कि जैसे होता है कि नर बड़ा हो मादा छोटी हो, मतलब ब्रीड्स तो आपकी घर की है, वो तो आपको पता है। देखिए मैं आपको ब्लड लाइंस जितनी भी चली आपके पास, नर बड़ा बड़ा, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, थ्योरी है। हाँ। ये सिर्फ जस्ट इसलिए है कि कबूतर बेहंगम बेढब्बे ना बन जाए। बिल्कुल ऐसी है, बैलेंस्ड कबूतर है ये सिर्फ उस मकसद के लिए है। और अगर आपके पास है ही बैलेंस कबूतर, वही ना, तो फिर उनको किस तरह, आपको जरूरत ही नहीं है कि छोटी मादी नर बड़ा, वो आपके होंगे ही बैलेंस, मादा बैलेंस है नर बैलेंस है, तो आगे बैलेंस्ड बच्चे ही निकलने हैं। लाहौर में एक अच्छा कबूतर जो है, नस्ल को तो हम छोड़ देते हैं ना, तो उसको हम एक कितने साइज, कितना अच्छा कबूतर जो है, कितने साइज का होना चाहिए? मैंने ये 1995 में, यानी सॉरी 1996 में खबरें के फोरम पर एक अपने फीचर में लिखा था, कबूतर हर रंग और नस्ल में उड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। उसी में आपने ये भी लिखा था कि लाल आंख और सियालकोटी का क्रॉस अमूमन अभी लाहौर में कामयाब है। उड़ते हैं, उड़ते हैं जी, किसी जगह ये जो आपके ये जो गए हुए मियां वाले कबूतर, जी जी, ये सारे लाहौर से कबूतर गए हुए थे, वहां जा लाहौर और सियालकोट के कबूतर मिलके वो कबूतर बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसी, वो ऊपर से आ गए। नहीं नहीं, वो खुद ये कोई देखे ना, ये कोई एटम बम बनाने का फार्मूला जो किसी को पता नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो खुद की शक्लें देख के पता लग जाता है कि इसमें क्या क्या है। हाँ, एक अच्छे कबूतर परवर को जो ब्रीडर है ना, ब्रीडर उसको जब आप क्रॉस ब्रीड दिखाएंगे वो आपको बताएगा इसके अंदर क्या है। बिल्कुल सही है। एक आध फीसद कबूतर ऐसा होता है कोई जो बिल्कुल जाता है, जो छुप छुप इस तरह जाता है कि वो बिल्कुल प्योर, या बाप पे प्योर निकल आता है या माँ पे प्योर निकल आता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज बहुत आसान होता है। ऐसी है। तो सर ये जो इसी तरह डिफ्रेंशिएट करने में जो आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, जो मशहूर भी हुआ है हर जगह के, जी पट्टी वाले डल रहे हैं, तो कोई कलसरे दिखा रहा होता है, कोई कुछ दिखा रहा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पट्टी वालों को रिजल्ट इस दफा जाके चेक कर रहे हैं, मेरे कुछ कहने की जरूरत बाकी नहीं रह जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये लोगों को बताया ना कि ये बात इतनी कोई अहम नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो ये समझता हूं कि हमें जो पट्टी वाला क्रॉस कर रहा है वो खुल के क्यों नहीं कहता मैं कर रहा हूं, तो कर ले भाई, करके उड़ा ले। शेख हसनैन साहब यहाँ पट्टी वाले कबूतर ला के उड़ाए थे उन्होंने। जी जी। और उसका रिजल्ट क्या था कि वो इकट्ठे उड़ते थे कबूतर, उनको अलाउ कर दिया था, कोक से बाजी लग गई थी, तो दो बाजियां वो कबूतर इकट्ठे उड़ के बैठते रहे। उसके बाद तो आप ये सुन लेना, ये सुन लो घर वालों का, तो बाहर जाके सुन। अच्छा। तो वो यहां आए, तीसरी बाजी चौथी बाजी तीसरी बाजी रफड़ पड़ गया शायद, चौथी बाजी शायद पड़ गया, मुझे एग्जैक्ट भी याद नहीं रहा, तो 15 घरों के कबूतर उनके कबूतरों से बाद में बैठे थे। और वो अगर आगे बात चलती तो कहीं और चली जाती। सही है। कुछ भी नहीं, इन कबूतरों की जोड़ी नहीं है। बिल्कुल सही हो। वो अपनी जगह देखे, वो
वो अपने इलाके में उड़ रहे हैं, अपने हिसाब से उड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जब हमने उनके मुकाबले पे उड़ना ही नहीं तो हमें क्या जरूरत है, क्या अगर कोई यहाँ ला के क्रॉस करके उड़ा रहा है यार, वो भाई मेरे साथ तो कोई हो ना तो मैं कहूँ तो उड़ा ले यार ना। हाँ, क्या हो जाएगा, उड़ा लो भाई। हाँ, सही है, इनकी इनके भी पर है, ये भी उड़ लेंगे, बिल्कुल सही हो गया। चूंकि मुकाबला असील और असील का होना चाहिए, जो वो बात है कि आप एक ब्रीड, अब देखे ना बुली कुत्ता हम लेके जा रहा हूँ उसके साथ, मैं कहूँ जो मेरे साथ जर्मन शेफर्ड लड़ाओ, तो वो तो बात नहीं ना बनती, ये बंदे के अपने जमीर की बात है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कबूतर चूंकि वो कबूतर डिफिकल्ट एटमोसफियर में उड़ते हैं, नीचे वो ज्यादा सख्त जान है, मुश्किल हालात में उड़ते हैं, सही है। ये कबूतर जिस मकाम पे उड़ते हैं, गो के इनको और तरह के खतरात बहुत हैं, एयर पॉकेट्स में फंस जाते हैं, लगड़ बाज बैरी इनको पड़ जाता है, कई परिंदे पीछे इनके होते हैं, तो इनकी और लेकिन ये उड़ते कंफर्टेबल माहौल में है, उनको बड़ा सख्त माहौल मिलता है उड़ने, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, काफी देर से हमारी गुफ्तगु चल रही है, तो अमूमन अभी भी हम कहीं जाते हैं तो बात होती है कबूतरबाज, जो पहले जमाने में कबूतरबाज बड़े बदनाम थे, तो अमूमन आपने भी सुना था, हम जाते हैं तो हमें भी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि यार ये तुम लोगों की वजह से हो गया, वरना ये तो बड़ा बदनाम शौक था और ये था। तो मैं वो पूछना चाहूंगा कि वो आप क्या फैक्टर्स थे जिस वजह से लोग कहते हैं, अगर हम देखें पीछे तो सुहेल अंसार खान साहब हैं, उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब हैं, सीनियर्स में चले जाएं तो वो जो मलक नज़ीर साहब फौत हो गए, जीरा गुजर साहब ग्वाल मंडी वाले वो थे, आज आप हैं, तो ये मेहर असगर साहब हैं, जब मैं सीनियर्स की बात करूं कराची में वो शेख जफर साहब मरहूम, इस तरह के, और यहाँ से सफदर इकबाल टेंटा वाले, मतलब इस तरह के सीनियर तो हमें मिलते हैं जो मतलब जिनका कोई थोड़ा बहुत अदब से भी ताल्लुक है, कई ऐसे भी लोग मिल जाते हैं और बड़े तहजीब वाले लोग भी मिल जाते हैं। नहीं, मैं आपका सवाल समझ लिया मैंने, तो वो क्यों, मैं बताता हूँ उस पर। आपने पहले पूछा ना कि वो ये बदनाम था, तो जब मैंने अपनी बुक लिखी और छपवाने के लिए मैं गया हूँ ना, ये इस रेलेवेंट मोस्ट रेलेवेंट वाक्या ये, अच्छा, आपके सवाल में, तो बुक छपवाने के लिए मैं गया इल्म इरफान पर, मैं तो वहाँ गया तो एक साहब बैठे हुए झुके हुए, तो सारे लड़के उनके इर्द गिर्द मालिक वो शॉप के, तो मैं जाके बैठ गया, 10 मिनट गुजर गए, पुलिस में थे तो वो पुलिस में बंदा होता थोड़ी बहुत अहमी आकड़ भी आई होती बंदे में, माए मुझे कुछ देख दुख नहीं रहा प्रोटोकॉल ये वो, तो 10 मिनट गुजरे तो मैंने कहा भाई हम भी किताब छुपाने आने हैं, आए हैं पैसे देने हैं, तो वो उन बुजुर्गों ने सर उठाया यूं देखा तो मैंने देखा अहमद नदीम कासमी साहब मरहूम, अच्छा, कहते मियाँ आप भी किताब छुपाने आए हैं, तो वो मेरी बजाय वो बोले, वो जो दुकान के मालिक थे उन्हें कहा जी ये कबूतरों पे किताब छपवाने आए, कबूतरों पर किताब, मियाँ क्या नाम है आपका, तो नाम भी मेरी बजाय उसने ही पहले बोला जी नायाब, अच्छा नायाब और ऊपर से हैदर, वाह, तो मियाँ नायाब बात ये है, हम तो अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए कि कबूतर पालना फजूल और बेकार लोगों का काम है, लेकिन अगर कबूतरों वाले किताबें लिख रहे हैं तो ये तो फिर फजूल बेकार काम नहीं है, तो तुम ऐसा करना, वो कहाँ है, क्या कौन सी किताब है, तो मिली एक लड़का आया मेरे आगे से, मैं सफदा उठाया तो उसको पकड़ा दी उनको, उन्होंने देखा देख दुख के, उसको बोल था दो तीन मिनट ही देखा होगा, देख कहने तुम्हें नहीं पता कि तुमने इन कबूतरों वाले के लिए क्या कर दिया है, जब तुम इस किताब की रूनमाई की तकरीब करना तो मुझ बूढ़े को बुलाना, मैं उनको बताऊंगा कि इस बंदे ने तुम्हें फर्श से उठा के अर्श पर पहुंचा दिया है। सही कि कबूतरों वाले के बारे में तो लोग सुनना पसंद नहीं करते, अपने बच्चों को रिश्ते नहीं करते उनकी तरफ, ये उनके वर्ड थे। अच्छा, जब मेरी बुक पब्लिश हुई तो उनको उनकी डेथ हो गई, तो मेरी तकरीब में वो आना सके, तो मतलब ये शौक ही इस हद तक था, और उसकी बदनामी की वजूहत क्या थी, जो आज बदरजा उत्तम मौजूद है हमारे इस शौक में दोबारा आ रही है, दोबारा आ रही है, सॉरी, वो क्या है कि कबूतर ये मुगलिया सल्तनत के जवाल के साथ निचले तबके में, बिल्कुल। अब वो हुआ क्या, एक दिहाड़ीदार बंदा है, वो दिहाड़ी पे जाना है, सुबह कबूतर छोड़े कबूतर उड़ गया है,
अब उसके इंतजार में बैठे हैं, दिहाड़ी कोई नहीं, पैसे शाम को आएंगे, चूल्हा जलना, चूल्हा नहीं जलना तो घर में स्यापा पड़ गया, वो रेपुटेशन बैड हो गई इर्द गिर्द भी, रेपुटेशन बिगड़ दी गई, कबूतर के पीछे लगे रहना, काम धंधा करना नहीं, हर वक्त कबूतरों के पीछे। आजकल आप देख लें, अब हर वक्त जेठ खेल लो, चित्र खेल लो, बिसाख खेल लो, असू खेल लो, कत्ता खेल लो, फत्ता खेल लो, हाड़ खेल लो, यार क्या है, कोई और काम नहीं है। सही, अपनी घर की जिम्मेदारियां देखें अल्लाह के बंदो, पहली जिम्मेदारी है अपना घर, अपने फैमिली के जो हुकूक है उनके हैं वो पूरे करें, उसमें से कुछ बच रहा है तो इस शौक की तरफ आए। बिल्कुल ठीक है, और हमने ये चीजें सारी, फिर दूसरी चीज जुए को किस हद तक प्रमोट करके ले गए हम, यार खुदा के बंदो, एक टूर्नामेंट काफी नहीं है, और माकूल इनाम के टूर्नामेंट, माकूल इनाम के टूर्नामेंट है यार, बहुत है, क्यों लगा रहे हो बाजियां इतने पैसों की, अपने आप को क्यों बदनाम कर रहे हो, खासतौर पर ये पट्टी जो बेल्ट है पीछे आपके, ये जो जिसे पंजाब कहते हैं आप, जीटी रोड को इधर को जाके इस बेल्ट में जी जी। यार क्या, अब मेरा ये जो खर्च है सालाना, तो क्या मैं इस बाजियों से खर्च पूरा कर सकता हूँ, ये मैं नहीं, शौक का तो कोई वो नहीं है ना, वो भाई मेरे जितना सेटअप यहाँ है इससे ज्यादा बड़ा मेरा हैचरी का सेटअप है भाई के पास इधर, तो क्या हम अभी सेम से बाजियां लगानी शुरू कर दें कि जनाब हम इनका खर्चा तो जुएबाजी करके पूरी करें। सही बात यार, जिस दिन हम ये खर्चा पूरा नहीं कर करें इनको रिड्यूस कर लेंगे हम, तो खुदारा अपनी दोस्तों की छत पे बैठ के शौक कर लेंगे। यस, ओ भाई चार जोड़े अपने घर रख लो, किसी दोस्त के साथ अटैच हो जाओ। मैंने हमेशा लिखा खबरें में भी कि जो लोग, जो तलबा है, जो बेरोजगार है, या जो बहुत ज्यादा खुद कफील नहीं है, वो ब्रीडिंग का शौक कर लें सिर्फ। सही बात है, और जो साहिब हैसियत हैं, वेल सेटल्ड हैं, उड़ाने का शौक वो करें। बिल्कुल, तो ये बहुत महंगा शौक है। बिल्कुल सही है, पैसे खर्च होते हैं उस पर। अच्छा सर, क्या इस वक्त लास्ट, चलिए ये तो बड़ा अच्छा आपने जो पैगाम दे दिया लोगों को, तो जो हमारे लाहौर के हालात और वाकयात हैं उसके मुताबिक अगर कोई आपके आपके कोई पैगाम आप देना चाहें कि तमाम असाज़ा कराम को दोबारा से कोई इकट्ठा होने की कोई सजेशन या कोई इस तरह की चीज़ आप समझते हो तो देखिए, मैंने तो हमेशा मेरा फोरम ओपन रहा है, मेरा फोरम ओपन रहा है, मेरे पास कोई आया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी उसको मायूस नहीं किया, किसी ने बेहतरी की प्रपोजल दी है मैंने एक स्टेप उससे आगे बढ़ के ले लिया है कि यार बेहतरी की तरफ करना चाहिए जी जी। मुझे अपनी अना में नहीं रहना चाहिए, मेरी कोई ईगो नहीं है, मुझे आज को कहेगा एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा मैं चार बढ़ा लूंगा उसकी तरफ। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई कहे कि कभी किसी को डीग्रेड करके तो अपनी तरफ लाया जाए तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ना, एक आपने स्टेप भी गलत लिया हो, आप खुद रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़े हो, तो उसके बाद आपको खुद सोचना चाहिए कि यार ये एक्सेस कर लिया था हमने, तो अब हमारा काम है स्टेप फॉरवर्ड लेना। बिल्कुल सही है, तो फिर वो देखा उनको, तो मेरा तो पता है कि मैं तो कभी किसी पॉजिटिव चीज से इनकार ही नहीं किया, मेरी और उस्मान भट्ट के जो मेहर साहब की, हमारी उस्मान भट्ट साहब की अखलाक साहब, ये जो गेम चल रही है, तो अगर हम अड़ने वाले हों तो ये हमारी चले आपस में, ना उस्मान भट्ट अड़ने वाला है ना हम अड़ने वाले। लाहौर को होना चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एक बात ये है कि ऑल थिंग्स, फिर हमारा कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, कोई इसी से लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा नहीं है, हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सब एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, यहाँ मिलते हैं एक दूसरे से बड़े अच्छे अंदाज से मिलते हैं, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं इस पे शेर आपको सुना देते हैं, अना की बात है वरना मोहब्बत अब भी बाकी है, अना की बात है वरना मोहब्बत अब भी बाकी है, उसे मेरी मेरी उस जरूरत, उसे मेरी मुझे उसकी जरूरत अब भी बाकी है। क्या बात है, देखिए लाहौर के शौक को अगर आपने ना प्राइम पे लेके जाना है ना, जिस तरह पंजाब का शौक प्राइम पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, और वहां पे चीजें मानी जा रही हैं, तो लाहौर का शौक भी उस वक्त प्राइम पे पहुंचेगा जब आप एक प्लेटफॉर्म पे, और कुछ नहीं तो आपके कवानीन एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने कहा है कि पेनल्टी होनी चाहिए, जैसे मैंने जोर लगा के देख लिया
कि यार ये जो कबूतर बैठ बाहर बैठ के कट जाता है, हम उसे छुपाते फिर रहे होते हैं, ये भी तो एक बेईमानी है ना कि मुनसिफ की मौजूदगी में ना आ जाए। जैसे पंजाब में हमने कर दिया था कि कबूतर जो बाहर बैठ के कट गया है, अब छत मालिक की मर्जी है उसे डाले जाओ, उसकी जगह नया डाले। लाहौर में ये है कि जी वही डाले, अब हम छुपा रहे होते हैं कि कबूतर ना आ जाए किसी तरीके ना, जब तक मुनसिफ थले लाथना जाए। यार हमें लिबरल होना चाहिए, शौक में तंगी नहीं पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल लिबरल होना चाहिए, वो स्टेप्स होना चाहिए जिससे शौक प्रमोट हो, जिद अना को पीछे छोड़ देना चाहिए। और यार छोटी सी दुनिया है, थोड़ा सा वक्त रह गया हमारे पास, सब ने यहाँ से चले जाना, हमारा माँ बाप चले गया, हमने चले जाना यहाँ से, लेकिन जाते हुए को अच्छा काम कर जाएं, अच्छा नाम छोड़ जाएं, अपनी अना के खोल से बाहर आ जाएं सारे। तो अना के खोल से कैसे बाहर आ जाएं? स्टेप फॉरवर्ड तो एक भी फॉरवर्ड में बता देता हूँ। देखिये ना, मैं मुझे अगर मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा होना चाहिए तो इसका मतलब मेरा जमीर बेदार है, ऐसा ही है ना? सही बात। तो फिर मेरा जमीर अगर बेदार है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत कर लिया है, तो आई हैव टू रेक्टिफाई, मुझे इसको ठीक करना है। बिल्कुल सही। तो जिसे ठीक करना होता है उसको स्टेप फॉरवर्ड लेना होता है, ऐसी है। तो बात इतनी सी है, हमारी तरफ से कभी भी इनकार नहीं हुआ ना कभी बेहतरी के लिए। आपका एक बात का जवाब इसलिए देना जरूरी है, आपने 3 दफा पूछा, मैं खामोशी से इग्नोर कर गया, वो इसलिए कि नायाब साहब बैठे हुए बड़े हैं हमारे, ठीक है, जब इन्होंने हमें भेजा तो कम्प्लीटली इख्तियार दे के भेजा। इसको ऑफ द रिकॉर्ड कर ले, मेरे ख्याल ये बात ऑफ द रिकॉर्ड कर ले। नहीं वो मैं, ये नहीं, अच्छा मैसेज जाएगा। बात यह है कि हमें आज भी एक प्लेटफॉर्म पे, लाहौर यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी उसी वक्त मानी जाएगी जब आपका आपस में इत्तफाक होगा। लोग हमें बाहर जाके कहते हैं कि लो जी पहले आपस में तो एक कर लो, कानून तो एक कर लो। बात यह है कि लाहौर को यूनिवर्सिटी आप तभी मनवाएंगे जिस तरह के लाहौर में इस दफा कबूतर उड़े हैं, सारे पंजाब की नजर लाहौर की तरफ मुड़ गई है, जिन परवाजों में उड़ रहे थे वो देख रहे थे। बिल्कुल। और एक और चीज आप जो कह रहे थे, एक और चीज नहीं, एक और स्टैट भी देख लें, वो स्टैट आपने टैली कर लेना है, वो मैंने कल भी कहा है कि कबूतरों की औसत निकाल लें इस वक्त जो पंजाब में टॉप पे उड़ रहे हैं और इसमें जो लाहौर के हैं, पॉइंट्स में फर्क है, यानी 8 पॉइंट समथिंग उनकी है और 8 पॉइंट ही हमारे लाहौर वालों की, यानी एक ही रेशो पे, यानी अगर कोई किसी ने ये देन था कि लाहौर में नहीं कबूतर उड़ रहे या नहीं उठते, जिस गर्मी में इस दफा ये लाहौर वालों ने परफॉर्म किया है, जिनमें हैदर जोया है, मियां अहमद है, सोहेल अंसार खान साहब हैं, यहाँ से खालिद रब्बानी साहब हैं, नायाब साहब ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी, एट द टॉप पे आके खड़े हो गए, यानी और बहुत से 10 बल्कि 400 के करीब लोग, यानी 400 से ज्यादा घंटे बनाने वाले, या 390 से ऊपर। आप यकीन करें कि अगर उस्मान भट्ट की छात्र उड़ रही होती तो वो भी इसी लेवल पे उड़ रही होती, मातमारों ने पहली इतने अच्छे उसके उड़ रहे थे, मुबशर का एक कबूतर जाया ना, मुबशर का जाया ना, वो भी इसी लेवल पे, वो आपको पहली दूसरी के लिए उस्ताद के साथ लड़ता हुआ नजर आ रहा होता, वो जाया हो गया दो उस दिन नहीं। तो वो कहने का मकसद क्या है, आज भी लाहौर को यार बैठने के लिए दिल बड़े करके थी, आके बैठ के निकलते से आकर बैठे, बड़े मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ कि कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम कर आए तो उसको ओके ना किया गया। देखे ना कामरान, मैंने आपको अपना नुमाइंदा बनाता हूँ तो फिर मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप कुछ करके आते तो उसको ऑन करूं मैं। सही। तो अगर मैं आप ही को डिसऑन कर दूंगा तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है? इसका मतलब है मैं ही एक नोटोरियस आदमी हूँ जो किसी पे ट्रस्ट करके उसको ट्रस्ट को तोड़ रहा हूं मैं। तो ये बंदे को ट्रस्ट रखना चाहिए, आप मुझ पर अगर ट्रस्ट करते हैं तो मुझसे कुछ गलती भी हो सकती है। बिल्कुल सही। उस गलती को फिर आपको ऑन करना चाहिए कि भाई मैंने इसको इख्तियार दिया था, गलत करा है तो कोई बात नहीं, चलो यार इट्स ओके। ठीक है, आप तशरीफ लाए हैं, आपकी तरफ से मोहब्बत भरा पैगाम उनके लिए भी और बड़े शाह साहब की तरफ से भी, बल्कि उस्मान भट्ट साहब की तरफ से भी, क्योंकि शौक मोहब्बतें बांटने का जरिया। हाँ जी, शौक मोहब्बतें बांटनी चाहिए किया, और शाह साहब ने तो हमेशा पंजाब में भी यहाँ पे भी, मैंने आके कहना कि ये करना, उनका जी ठीक है, दैट्स इट, लेट्स गो, लेट्स मूव। तो हमें लाहौर को आगे लेके जाना चाहिए बस, इंशाल्लाह।
और देखिए बड़ा, देखो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे की परफॉर्मेंस को सराहेंगे नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं निकल सकते, हम फंसे रह जाएंगे उसी गर्दाब के अंदर। बिल्कुल सही हो गया भारत सर, बहुत मजा आया आपके साथ, और बंडल ऑफ थैंक्स फॉर द प्रेशियस टाइम। पहली दफा आपके साथ ये जो है 1-to-1 एक जो इंटरव्यू चला, सवालों में कोई कमी नहीं, नहीं तिश्नगी तो कोई नहीं, तिश्नगी जो है वो अभी जो हम फिर भी एक, मैं चाह रहा हूँ एक सेशन हम और भी रखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये, तो एक मिनट एक घंटे 14 मिनट का तो ये है, उससे पहले भी हमने काफी लंबी गुफ्तगू की है। आप किस दिन ये कह के रखें कि 20 मिनट्स में कंक्लूड करना है? नहीं मेरा, मैंने ना एक बहुत एक अभी वो जो सरप्राइज है, एक बहुत अच्छा सा मैं एक सेटअप दोबारा से लेकर आ रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बहुत बड़ा आइडिया लेकर मैंने किया था शौक की बात कामरान के साथ, शायद आपने वो आपकी नजरों से नहीं गुजरा, तो इसी तरह का एक आइडिया लेकर आ रहा हूँ। तो उसी में मैंने तुराब भाई से पहले भी कहा था कि मैं आपको जो है उसमें पहला प्रोग्राम आपके साथ करना चाह रहा हूँ। ये तुराब साहब को इस प्रोग्राम का आइडिया पिछले 6 साल से दे रहा हूँ मैं से। सिर्फ ये करने जोगे नहीं, मैंने को 6 साल से कहा है कि यार मेरा खर्चा कर लो, मुझसे करके एक स्टूडियो बना लो, उसमें डेली नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन एक प्रोग्राम रखो जिसमें हर रोज एक नई शख्सियत को इनवाइट करो आप। बिल्कुल सही, तो ये पिछले 6 साल से बस सोच बाजार में है आपने। नहीं हमने तो माशाल्लाह इस पे प्रोग्राम 5 से 6 प्रोग्राम वो किए थे, फिर हमने ग्रैंड टूर किया था, ग्रैंड टूर में हमने 15-20 दिन हम घर नहीं आए थे, तो उसमें हमने काफी प्रोग्राम्स किए थे, तो वो जगह जगह बैठ के मुख्तलिफ जगहों पर जाके, मतलब जिसको पॉडकास्ट आप कहते हैं वो हम कब का कर चुके हैं। तो उसके बाद हमने लाइव स्ट्रीम यार्ड पे हमने 10-10, 12-12 लोगों के साथ सारी सारी रात की है, प्रोग्राम्स की है। अच्छा, प्रोग्राम बहुत तवील नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मजबूरी होती है ना, एक सबकी तिश्नगी होती है, हर तरह की बातचीत होती है। उसमें होता पता क्या है, अगर जो आपने सही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम करने हैं तो अपने घर से आपके स्केच होना चाहिए सवालात का, वो तो हमारे पास बिल्कुल वो सवाल, और उसी पर जो अगला बंदा आपका है कि जी इसमें आपको फीस वाल इतना टाइम है बस। नहीं हमारे पास अभी ये तो लाइव जो अब चलता है ना सेशन, इसमें असल में लोग जुड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसलिए हम इसको तवील कर लेते हैं, इसमें हमें वो नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। जो वो प्रोग्राम थे वो प्रॉपर हमारे जो है वो रिटर्न थे, वो मैं इंशाल्लाह छोटे से छोटा कहेंगे तो वो भी हो जाएगा और बड़े से बड़ा कहेंगे तो वो भी हो जाएगा। सर आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मिठू साहब से मिलके, और उस्ताद शादाब हैदर साहब की जो माहिराना बातें थी उस वक्त में वो बड़ा मजा आया। ये जी की मैन है हमारे, मतलब मुंतजम आला समझ लें आप। बिल्कुल सही, तो बहरहाल इंशाल्लाह आइंदा जरूर दोबारा से आपके साथ एक और नशिस्त होगी। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, और देखने वाले दोस्तों के लिए भी यही कि जी उम्मीद करते हैं कि आपको भी जेट चैंपियन लाहौर 2024 उस्ताद सैयद नायाब हैदर नकवी साहब जी, उनका शौक आपको पसंद भी आएगा, उनकी बातें भी आपको पसंद आई हैं। हमने आपको जो पाकिस्तानी ब्रीड से 2 कबूतर दिखाए थे, दोनों ही बाजी में उड़े हुए, और एक तो मतलब उन्होंने ब्रीडिंग के हिसाब से भी उन्होंने आपको एक टिप दी है कि बहन भाई का जोड़ा लग सकता है, और उस पर उन्होंने वो उसकी मिसाल में वो कबूतर भी दिखा दिया जो बाकायदा बाजियों में उड़ा। तो बाकी मैं तुराब भाई से कहूंगा, मेरी तरफ से आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अब्बास चाहेगा इजाजत, और अगली बात तुराब भाई। नहीं कामरान, आपके आने का शुक्रिया और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप आए और आपने बड़ी अपना टाइम भी निकाला, आप जितनी लगन और मेहनत से काम करते हैं मैं हमेशा ही आपकी तारीफ करता हूँ, और आप जिस प्यार से और खलूस से अब आपने आके यहाँ से किया है, और शौक के हवाले से भी बात किया है, लाहौर के शौक के हवाले से भी बात की है, एक पॉजिटिव जस्टिस पेश करने की कोशिश की है, तो इसको भी हम वेलकम करते हैं, आपको भी वेलकम करते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी चीज़ें होंगी, शौक के लिए बेहतरी होंगी, और आप मुबारकबाद देने के लिए आए उसका भी आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, और बस यही है कि हम जब एक दूसरे को मानना शुरू हो जाएंगे तो मसाइल अपने आप हल होना शुरू हो जाएंगे। इन्हीं अल्फाजात के साथ इजाजत चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं जी, बहुत शुक्रिया, चलो जी।